ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और सत्ता को लालायित भारतीय जनता पार्टी के बीच जारी जुबानी जंग में भाषा की मर्यादा खत्म सी होती जा रही है। एक ओर जहां टीएमसी के खेला होबे के नारे पर बीजेपी का विकास होबे की जुबानी जंग चल रही है, तो वहीं शुक्रवार को टीएमसी और बीजेपी ने अपनी जुबान में धार तेज करते हुए एक दूसरे पर नए शब्द बाण छोड़े। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की एक रैली में जहां बीजेपी नेताओं की तुलना दुशासन, दुर्योधन और मीर जाफर जैसे नामों से की, तो पलटवार करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना मतलब लोकतंत्र और भारत माता के खिलाफ बोलना है। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर जिले में अपनी एक चुनावी रैली के दौरान टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी और उसके नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर जुबानी हमला बोला। ममता ने कहा कि हम लोग बीजेपी को नहीं चाहते, हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते। ममता बनर्जी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी को वोट न देकर विदा कर दिया जाए, हमें यहाँ दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर, दंगे और लूट नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने टीएमसी से बगावत करने वालों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिए और पार्टी के पुराने नेता घर में बैठकर आंसू बहा रहे हैं। पैर की चोट को खुद पर हमला बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पहले मेरे विरोधियों ने मेरे सिर में चोट मारी और अब मेरा पैर घायल कर दिया, लेकिन मैं भी योद्धा हूँ। यहाँ आपको बता दे, पूर्व मिदनापुर के एग्रा में हुई इस चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने महाभारत के पात्रों दुर्योधन और दुशासन के पात्रों का जिक्र करते हुए इशारों में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी को ममता ने मीर जाफर बताया। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने एक दिन पहले पीएम मोदी द्वारा पुरुलिया की रैली में बनर्जी पर किए हमलों पर जमकर पलटवार किया है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के हमलों पर जवाबी हमला बोलते हुए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। शुभेंदु अधिकारी ने मिदनापुर जिले में शुक्रवार को हुई सभा के दौरान ममता के आरोपों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना मतलब लोकतंत्र और भारत माता के खिलाफ बोलना है। अधिकारी ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन ही लगवानी पड़ेगी, वह चुने गए प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ बोलने का मतलब लोकतंत्र के खिलाफ बोलना है, उनके खिलाफ कुछ भी कहने का मतलब भारत माता को भला बुरा कहना है। हालांकि इस दौरान शुभेंदु अधिकारी यह भूल गए शायद कि ममता बनर्जी भी जनता द्वारा चुनी हुई मुख्यमंत्री है। आपको बता दे, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। याद दिला दे, शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि वह ममता बनर्जी को 50,000 से भी ज्यादा वोटों से हराएंगे और अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो राजनीति छोड़ देंगे। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन हारेगा, इसका पता 2 मई को आने वाले चुनाव परिणामों में चलेगा। बता दे, बंगाल में 8 चरणों में होने वाले चुनावों में दूसरे चरण के चुनाव में यानी 1 अप्रैल को नंदीग्राम सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।